आइए जानकारी लेते हैं कि आज जो है बहुत तादाद के अंदर यहाँ पब्लिक आई, हमारे बीच में है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, युवा साथी हैं और बड़े पैमाने पे समाज की बात उठाते हैं। हमारे बीच में एडवोकेट आर बागजी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियाँ जब हार जाती हैं तो ईवीएम मशीन पर क्वेश्चन खड़ा करती हैं, तो ईवीएम मशीन के बारे में हम इनसे जानकारी लेते हैं। आर बागजी, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है आप लोगों का, दोनों न्यूज चैनल का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप हमेशा अपनी छोटे मोटे संसाधन से समाज का काम, यानी देश का संविधान की काम ही कर रहे हो। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस जो राइट दिया गया है संविधान के अंदर, आप सही पैमाने में उसका काम कर रहे हो। आर बागजी, जो मशीन का जो है ईवीएम का जो सिलसिला है, जब पार्टियां हार जाती हैं तो ये कहती हैं ईवीएम में गड़बड़ी है और वोट डालते हम कहीं तो जाता कहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मशीन जो होता है मशीन होता है और मशीन को हैक किया जा सकता है। आपको पता होगा कि चाइना के लोग चाइना में बैठे बैठे अमेरिका का सुपर कंप्यूटर को हैक कर दिया था। इव द सुपर कंप्यूटर, नंबर वन कंप्यूटर मशीन ऑफ अमेरिका कैन बी हैक्ड बाय चाइना फ्रॉम इट्स ओन प्लेस, व्हाट यू स्पीक अबाउट योर ब्लडी ईवीएम। जी, अगर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर को चाइना घर में बैठे बैठे हैक कर सकता है तो आपका ईवीएम तो इजीली हैक हो सकता है। और जो संविधान में 326 में जो चीज़ें लिखी गई है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी फ्री का मतलब कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। वोटिंग करते हो आपको पैसा देना नहीं पड़ता है, ये फ्री हो गया। अब फेयर का मतलब होता है कि स्पष्ट, जब आप वोट देने जाते हो बैलेट पेपर में, दुनिया में कहीं भी, सबसे ज़्यादा देशों में जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी है, जहाँ जहाँ भी इलेक्शन है, वोटिंग है, वहाँ पे लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन कराते हैं। और आप लोगों से टेक्नोलॉजी में 10 गुना 15 गुना 100 गुना जो लोग एडवांस कंट्री है वहाँ पे भी बैलेट पेपर यूज करते हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो संविधान कह रहा है। संविधान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई भी प्रावधान नहीं है। और फेयर जो होता है, सपोज के मान लो आप कुत्ते को वोट देते हो, कुत्ते को जब वोट देते हो कि भाई कुत्ते को वोट दिया, आपको तसल्ली होता है कि भाई मैं कुत्ते को वोट दिया हूँ। और उसके बाद फिर फोल्डिंग करते हो और बॉक्स में डालते हो, आपको तसल्ली हो जाता है। चलो मान को लो गधे को वोट दिया, तसल्ली हो जाता है कि भाई गधे को इस बार वोट दिया है एक वोट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे वोट देते हो, अपना उंगली मारते हो, आपको तसल्ली होता है वोट कहाँ गया। जब 2009 में बीजेपी दोबारा हार गई, सुब्रमण्यम स्वामी, एलके आडवाणी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में अपना 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 दस्तावेज रखा, तसल्ली करा, जस्टिस को जजेस को कन्विंस कराया, इसी से आप निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे पेपर ट्रेल की बात आया। पेपर ट्रेल का गिनती होगा, अभी क्या है दूसरा चीज भी मिला दिया कि पेपर ट्रेल का गिनती नहीं होगा। सपोज मेरे को 1.5 लाख वोट मिली है, तीसरे नंबर पे हूँ, मैं ये मांग नहीं कर सकता हूँ कि मेरा वोटिंग का गिनती होना चाहिए, सबका गिनती होना चाहिए। तो ये अगर गिनती नहीं होगा, मेरे को तसल्ली नहीं होगा, डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगा, डेमोक्रेसी में मेरा सिटीजनशिप का अधिकार है, सिटीजनशिप के तहत वोट देता हूँ, वोट दिया तसल्ली नहीं हुआ कि मैं कुत्ते को दिया हूँ कि गधे को वोट दिया हूँ, तो इसको आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर सकते। ये कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कंटेम्प्ट ऑफ डेमोक्रेसी के सेटअप का उल्लंघन है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। और तो अभी फिर दोबारा, जो पहले तो बाबन मेसराम जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आए थे बामसेब के माध्यम से, तो मेरे को वहाँ पे आर्ग्यू करने का तो ये नहीं, मगर वहाँ पे एपियर एक दो बार में हुआ था अंबिका जी के साथ जी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को मैंने पढ़ा हूँ, देखा हूँ, महसूस किया हूँ। सर, अभी भी ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो देश के चौकीदार हैं और इनके नाक के नीचे से कई सौ करोड़ रुपया लेके, अभी पहले भी माल्या जी चले गए, अब निर्भय मोदी जी चले गए, ललित मोदी जी चले गए, तो इसको आप कैसा समझते हैं कि एक बार मोदी जी कहते हैं कि हम कैशलेस इंडिया करेंगे या डिजिटल इंडिया करेंगे? ये कैशलेस इंडिया नहीं करेंगे, केयरलेस इंडिया करेंगे। कैशलेस का मतलब अच्छी बात है, डिजिटल कंसेप्ट लागू करो बहुत अच्छी बात है, मगर साथ साथ ये जो सारे, एक तो एक दिन का किसने चावल चुरा लिया अपने भूख के वजह से, भूखमारी से मर रहा था तो उसको पीट पीट के मार गया, जलाया गया, हर जगह पे हो रहा है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं करते हो और हजार हजार करोड़ रुपया लेकर नीरव मोदी भाग गया। तो ये मोदी जो है, मोदी नाम एक करप्टेड नाम हो चुका है, भ्रष्टाचार से जुड़ चुका है ये मोदी जो है। मोदी जो है ये, यानी गुजरात का उनका कम्युनिटी जो है मोड़ घाची है। आपको बता दो, मोदी के ऊपर रिसर्च करोगे तो मोदी का सबसे ज्यादा जो चिट्ठा मेरे
पास है। मोदी यानी ये मोड़घाची कास्ट से आते हैं। मोड़घाची का मतलब, मोड़ का मतलब है सर्वश्रेष्ठ एंड सबसे ज्यादा तेज तरार। गूगल में कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में। हाँ, मोड़ का मतलब, मोड़घाची का मतलब है यानी बनियों में भी सर्वश्रेष्ठ आदमी हुआ था। 2001 में इन्होंने अपने नाम को अमेंडमेंट करके ओबीसी में डाला। ये ओबीसी है, फर्जी ओबीसी है। और मोड़घाची यानी मोदी, ये इनका मोदी वर्सेस मोदी, जहां भी देखो करप्टेड मोदी, भागु मोदी, आऊ मोदी, यानी एक एक करके मोदी नाम एक करप्टेड भ्रष्टाचार से जुड़ चुका है। और आज के अभी गूगल में लिखोगे, फेकू लिखोगे तो मोदी का नाम आता है, क्रिमिनल नाम आता है, क्रिमिनल। हाँ, मोदी मोड़घाची का मतलब बहुत बड़ा घटिया नाम आता है। मोड़घाची उनका कम्युनिटी जो है, ये उनका जो अपने आपको डाला, नहीं नहीं, गूगल पर सर्च मारो तो आपको क्रिमिनल के नाम से, ये ओबीसी तो है ही नहीं, लेकिन ओबीसी के नाम पे वोट लिया। हर वादे को आपने देखोगे देश में, अभी अभी अगर कहेंगे बनाने का काम किया, अभी देखो 2019 में क्या भाषण देंगे। भाई और बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासी हूं, अगर 2019 का चुनाव जीता तो मेरे हाथों से पकौड़ा बनाकर खिलाऊंगा। पहले चाय बिताया था, अरे भाई चाय में जहर मिला दिया होता तो आज पकौड़ा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर चाय में तुमने जहर मिला दिया होता तो आज पकौड़ा नीति नहीं होता। आज देखेंगे और दोबारा लंबा फेंकेंगे, कैसे, राष्ट्रीय पकौड़ा नीति के तहत रोजगार पैदा होगा। हम लोग पाकिस्तान को कैसे मारेंगे, नहीं पकौड़ा खिलाएंगे उनको, पकौड़ा में जहर मिलाएंगे। तो ऐसे ऐसे जुमलेबाजी हो रहा है। भाई और बहनों, देश तरक्की कर रहा है। तरक्की कहाँ कर रहा है, तरक्की फरक्की कुछ नहीं कर रहा है, देश और नीचे जा रहा है। आप जीडीपी रेट कितने कम हो रहे हैं आप देख लीजिए, पूरा बेबिसाल इकोनॉमी देख लीजिए, बजट सिस्टम ले लिए, एजुकेशन के ऊपर नो इन्वेस्टमेंट, रोजगार बेरोजगार है, बजट कितना कर दिया, एजुकेशन में कम कर दिया, फॉरेन पॉलिसी में आपको नुकसान हो रहा है, हर तरफ नुकसान हो रहा है। कंपेरेटिवली जो पिछले का गवर्नमेंट था, कहीं भी आपका रिडक्शन हुआ है, हर मामले में आपने ये किया, आपका कोई आर्थिक नीति है ही नहीं। जो आपका प्लानिंग कमीशन का टारगेट था 2015 तक, यानी ब्रिजिंग सोशो इकोनॉमिक गैप को खत्म करेगा, आपने इसीलिए 2015 में इसको खत्म कर दिया और नीति आयोग ले आया। इसीलिए लाया क्योंकि जो टारगेट था ब्रिजिंग सोशो इकोनॉमिक गैप का 2015 का जून में खत्म हो रहा था, उसको ओवरलैप करने के लिए, खत्म करने के लिए आपने दोबारा नीति आयोग ले आए। जी, आज के जो आंदोलन जो हुआ है उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? आज तो हम, मेरे को तो जो लग रहा, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के बारे में ये कहा गया, कोई पार्टी बैनर नहीं था इसमें। आपको लगता है कि बहुत देरी हो गई इनको आने में, प्रकाश जी को? प्रकाश जी ऐसा कोई, ये हम लोग किसी हीरो वर्सी में बिलीव नहीं करते, ना ही करते। बाबा साहब का पोत्र है, ठीक है, अच्छी बात है। जो आज बाबा साहब के बच्चे की कमी नहीं है, बाबा साहब के विचारधारा को जो मानेगा, ऐसा नहीं कि किसके खून में बाबा साहब है तो वो बाबा साहब का काम करेगा, जरूरी नहीं है। आप भी हो सकते हो, ये भी हो सकते हैं। बाबा साहब का विचारधारा को जो फॉलो करेगा वो बाबा साहब के सच्चे बच्चे हैं। बाबा साहब जीते जी 1957 में जब हुए, आरपीआई का प्रस्तावना जब लिख रहे थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी क्यों घोषित नहीं किया? क्योंकि वो मानते थे, ये पहले तो मूर्ति पूजा, बाबा साहब पाखंडवाद को नहीं करते थे, आपका परिवारवाद को खत्म कर किया। बाबा साहब जीते जी, किसी ने कहा कि मेरे बाद मेरे गद्दी को मेरा बच्चा संभालेगा? आज जो बहुजन समाज में परिवारवाद आ चुका है कि बच्चे का, नेता का बेटा मेहता बनेगा, तो बाबा साहब जीते जी नहीं किए। तो इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर परिवारवाद को नहीं मानते थे। बाबा साहब अंबेडकर एक विचार है, एक संविधान के अंदर बाबा साहब है, संविधान को बचाओगे तो आप बचोगे। तो ये संविधान के बारे में था, तो इसलिए संविधान को बचाने के लिए आज दूसरी बात कर, संविधान का जो फ्रीडम ऑफ, आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा, इंक्लूडिंग आपका पार्लियामेंट चाहे भी खत्म नहीं कर सकता। और बाग जी, अब ये बीसीडी का चुनाव होने जा रहा है, तो ये बीसीडी के जो चुनाव है, ये बैलेट पेपर से होगा या ये मशीन से होगा? ये अभी बीसीडी को मैंने बाय राइट अप लिखा है कि इसको आप बैलेट पेपर से कराइए निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। उनका मांग था कि ये बहुत बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आप एक्सपेंसिव, पहले पर एक तरफ गणतंत्र है और निष्पक्ष चुनाव जो है गणतंत्र का सबसे बड़ा पार्ट है, यानी आप एक्सपेंसिव हो रहा है। अरे जिस देश में करोड़ों रुपए, अरबों का आपका करप्शन हो रहा है, घोटाला हो रहा है, आप एक 5000 एक 5 साल का चुनाव आप वोटिंग मशीन से नहीं कर सकते हो, आपके पास पैसा नहीं है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट का केस में डायरेक्शन दिया तो आपका इलेक्शन कमीशन को देश में पहली बार हाजिर होना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, मोदी गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है, और उन्होंने 20 महीने के समथिंग इसे मांग रहे थे। तो सोच लीजिए, देश का गणतंत्र जो चलता है, जो सिस्टम वोटिंग राइट से वोटिंग सिस्टम को, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है।
तो ये ईवीएम बीजेपी के जान ईवीएम में छुपा हुआ है। जैसे तैयबा का तीसरा मोती नहीं होता, जो होते हैं जो मैजिशियन वाला जो आता तालिब लेला का, तो उसका जो जान छुपा हुआ था एक पुतले में, तो बीजेपी के जान कहाँ पे छुपा हुआ है? ईवीएम में। ईवीएम को तोड़ो आप जीतोगे। बैलेट पेपर 1980 में साजिश के साथ लाया गया था। देखे कि यहाँ पे जो कांसीराम मूवमेंट चला देश में, लोग यहाँ पे तादाद में बहुजन समाज ऊपर उठने लगा, उनको समझ में आने लगा, तो इन्होंने सोची समझी चाल के तहत सोचे कि अभी मशीन से चलाना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा ने चार सिस्टम ये क्या कि आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यानी शूद्र को ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे, राजा नहीं बन सकता, तो ईवीएम के माध्यम से उसी सिस्टम को ये ला रहे हैं। आप चाहे वोट किसी को भी दोगे, बस वोट किसी को भी दो पहुंच जाएगा। क्योंकि सर्वे के अंदर सबसे पहले बोल दिया जाता है कि हम भाई जीत रहे हैं, हमारी सीटें इतनी आ रही हैं। हाँ, तो ये प्री पोलिंग जो है ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी भी हो नहीं सकता अगर पहले से आप डिक्लेयर कर दोगे। इसका मतलब लोगों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि यही जीतने वाला है, तो उसी हिसाब से कोई आदमी देख रहा है टीवी पे और उस पर वोट दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए प्री पोलिंग जो सिस्टम है अगेंस्ट वोटिंग सिस्टम है, आपका जो एग्जिस्टिंग फ्री एंड फेयर कॉन्सेप्ट को ये उल्लंघन कर रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।